आंधी तूफान के बाद अब सूर्यदेव ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है। लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान कम नहीं हो रहा और गर्मी के कहर से लोग परेशान हो चुके हैं। प्रदेश में लगभग हर जगह तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी बहुत है, मैं अपने आप को सिर्फ एक पानी पी के बचा रहा हूँ कि ताकि मेरे शरीर में पानी कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो मेरी बॉडी में, इसलिए मैं पानी पी रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। पीने के लिए अपने सर को देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से ढका हुआ है। कुल्फी खा रही हूँ फिर भी कोई आ रहा हूँ, बार बार होंठ सूख रहे हैं, पानी पी रहे हो ठंडा गर्म कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। तो बढ़ती गर्मी के साथ जूस और पेयजल पदार्थों के दुकानों पर लोग जुटने लगे हैं ताकि तपती गर्मी से थोड़ी राहत तो मिल सके। ये कपड़ा मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है ताकि मतलब मैं गर्मी से बच सकूं, मेरी जो स्किन है वो खराब ना हो गर्मी की वजह से, क्योंकि जो गर्मी की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो उसके लिए मैंने फेस पे अपने आप को पूरी बॉडी को अपने से अच्छे से कवर कर रखा है। ये बॉडी कवर करती हूँ, बेसिकली घर से बहुत कम निकलती हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली लेडीज़ का तो ऐसा वर्क होता है वो घर पे नहीं रख सकते, उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है, तो कवर करके मैं अम्ब्रेला का यूज़ करती हूँ, वाटर बॉटल हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ। गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को आदेश दे दिए गए कि तापमान के मुताबिक स्कूलों का समय तय किया जाए। उधर 3 दिनों से सूर्यदेव के तीखे तेवर देख रहे लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मुंह पर कपड़ा बांधकर लोग घर से बाहर निकलने को मजबूर हैं। इस भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक का डर भी लोगों को अब सता रहा है। हीट स्ट्रोक के लक्षणों की बात की जाए तो सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना, मितली और लूज मोशन, अचानक दौरा पड़ना, देखने में परेशानी होना, बेहोशी छाना, शरीर में पसीना ना आना, शरीर का बुखार की तरह तप जाना, हार्ट बीट तेज होना लेकिन नाड़ी धीमी हो जाना। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। प्रदेश में गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत कब मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो गर्मी सता रही है आम आदमी को और आम आदमी के लिए जानना जरूरी है कि इस मौसम में खुद को कैसे बचाएं। अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो घर से ना निकले, डॉक्टर्स ने कह दिया, लेकिन आपको भी पता है कि आपका काम कितना जरूरी है। ऐसे में क्या करें, गर्मी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है और दिखाना शुरू कर दिया है। सूर्यदेव के तीखे तेवरों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और तेज धूप और गर्म हवाएं भी परेशानी बढ़ा रही है। प्रदेश में गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर रखा है। लगातार बढ़ रही गर्मी से लोग परेशान हैं, तापमान बढ़ता जा रहा है और लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल है। ऐसे में आज हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना है अपने आप को बचाए रखने के लिए। महेश पहलावत साहब मौसम वैज्ञानिक है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। महेश जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, सबसे जरूरी सवाल भी इस वक्त यह है कि कितने और दिनों तक ऐसे ही अभी फेस करना पड़ेगा मौसम को? देखिए, अभी अगले 3 दिन तक तो एक बंद रहती है, क्योंकि हिसार और उसके आसपास तापमान काफी ज्यादा बढ़ रहा है, बाकी जगहों पर भी हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में ऐसे ही 45 से ऊपर जाने की उम्मीद है अगले 2-3 दिनों तक। और 28 से 29 तारीख से हो सकता है क्योंकि फिर डस्टॉर्म या ठंडा शावर थोड़ा हो सकता है, जिससे कि टेम्परेचर फिर से थोड़ा सा गिरेंगे और राहत उसके बाद ही मिलेगी। 28 तक आप कह सकते हैं कि गर्मी से जूझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 28 और 29 तारीख से पहले राहत की कोई उम्मीद नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं है तब तक, क्योंकि ये गर्म हवाएं जो उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही है, जो पाकिस्तान और राजस्थान से आ रही है, उसके कारण टेम्परेचर बढ़े रहेंगे और हीट वेव या लू जैसी स्थिति बनी रहेगी, ये स्थिति बनी रहेगी। अच्छा, अब महेश जी एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ, वो ये कि ये हालात जो बने हैं ये किस कारण बने हैं? मौसम वैज्ञानिक के तौर पर आप जब इसको एनालाइज करते हैं तो ये किस कारण ऐसे हालात बने हैं? जो आपने देखा था कि 2 मई से यानी 2 मई के बाद से डस्ट स्टॉर्म और
पेशावर या गुलबरी आंधी के साथ थोड़ा सा मौसम ठंडा बना हुआ था, ठंडा नहीं कह सकते लेकिन आज थोड़ी राहत रीजन ये था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे थे उससे ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई थी और जैसी टेम्परेचर बढ़ते थे गरजने वाले बादल बनते थे और इस तरह की आंधी और थोड़ी बहुत बारिश होती थी। अब क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना बंद हो गए हैं यानी कि कमजोर पड़ गए हैं और उत्तर की तरफ चले गए हैं तो शुष्क हवाएं जो सूखी हवाएं हैं और क्लियर स्काई है वो जो पश्चिम से आ रही है तो उसके कारण ह्यूमिडिटी नहीं है तो बादल नहीं बन पा रहे और कोई भी थंडर शावर या टचडाउन नहीं हो रहा। तो 28-29 तारीख के आसपास फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और सैटोरिक सर्कुलेशन बनेगा, नमी बढ़ेगी जिससे बादल बनेंगे। और अच्छा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर हरियाणा में कितना होता है? देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है वो अक्टूबर से मार्च तक ज्यादा इफेक्ट होते हैं ये पहाड़ों को और उसके साथ साथ ये पंजाब पर इस इलाके ज्यादा होता है लेकिन कभी कभी उत्तरी राजस्थान और हरियाणा पर जब चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन जाता है उसके कारण तब ये हरियाणा दिल्ली उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अफेक्ट करता है। प्री मानसून सीजन में आंधी चलती है और थोड़ी बहुत बारिश होती है, सर्दियों में जो रेन होती है वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है तो ये सर्दियों में और प्री मानसून में ही इसका असर ज्यादा होता है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, आपके पास लौट के आऊंगा। नरेश शर्मा जी, डॉक्टर नरेश शर्मा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, गुरुग्राम आईएमए के हेड हैं। नरेश जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया क्योंकि इस वक्त आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है और क्योंकि ज्यादातर लोगों की मजबूरी है कि वो घरों के अंदर नहीं रह सकते, सबको कुछ ना कुछ काम होता है, उनको निकलना ही पड़ता है। ऐसे में खुद को बचाने के लिए क्या करें? देखिए गौरव जी, अब जो मौसम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, अगर हम गुड़गांव की ही बात करें जो कि एक पत्थरों का शहर है, यहाँ पे आमतौर पर दोपहर के अंदर टेम्परेचर 47-48 तक को भी टच कर रहा है। अब क्योंकि देखिए जो भी वर्किंग वो मैन वुमन जो भी है उनको बाहर निकलना तो पड़ेगा ही क्योंकि आखिर रोजी रोटी का सवाल है। तो मैं इसके अंदर कुछ आपके माध्यम से सावधानियां पब्लिक को बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जब भी घर से निकलें तो अपने अच्छे से जैसे स्नान के बाद बालों पे हेयर ऑयल लगाएं, फेस पे कोई ना कोई सनस्क्रीन लगाएं अगर संभव है जिसकी मात्रा SPF 30 कम से कम हो। उसके बाद वस्त्र जो आप पहने वो खुले पहने और सूती कपड़े के पहने। इसके पश्चात कोई ना कोई आप साथ में एक लूज कपड़ा हैंकरचीफ, बड़ा हैंकरचीफ ले सकते हैं, पानी की बोतल ले सकते हैं, कोई छाता ले सकते हैं। ये सब चीजें आपको, जैसे तेज धूप है तो आप छाता इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच बीच में पानी आप सिप करते रहिए। कई बार पानी, केवल पानी से आप इंसान उकता भी जाता है तो उस टाइम पे पानी की बजाय उसके अंदर कोई ORS का सॉल्यूशन या कोई जैसे नींबू का नींबू शिकंजी टाइप की ये बना के साथ में रख सकता है। मतलब कोई ना कोई अल्टरनेट हो लेकिन लिक्विड का इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, मिनिमम 8 से 9 गिलास, 8 से 10 गिलास दिन के समय में लेना चाहिए। ठीक है महेश जी, आपसे समझना चाहूंगा मैं कि ये जो प्री मानसून की हम बात करते हैं तो इस बार प्री मॉनसून का वक्त क्या देख पा रहे हैं आप, क्या है इस बार? चलिए लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। नरेश जी, इस बार एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ गई, इस बार लू के थपेड़ों में और पहले जो आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले के लू के थपेड़े हैं क्या उसमें कोई डिफरेंस है? क्या जो हम बार बार ये बात करते हैं कि ओजोन लेयर जो डिस्टर्ब हुआ उसमें जो उसमें छेद हुआ उसकी वजह से ये जो रेज है वो ज्यादा हार्मफुल है, क्या इसमें सच्चाई है? डेफिनेटली गौरव जी, ये बिल्कुल सच्चाई है क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है जो ओजोन लेयर है वो उससे अल्ट्रावायलेट रेज का जो प्रोटेक्शन रहता है उसके अंदर अब नुकसान पहुंच रहा है ओजोन लेयर में और सनलाइट से जो 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 डेंजरस जो रेज है वो अब अनइंटरप्टेड पृथ्वी पर पहुंच रही है और आम जन को नुकसान पहुंचा रही है। स्पेशली इस टाइम पे जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर इसका विशेष असर है। तो उनको कम से कम जहां तक जरूरत हो तभी बाहर निकलें। वैसे तो इस दौरान स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं जैसे इस परिवार कहीं घूमने के जाते हैं तो ऐसी जगह ना जाएं जहां पे सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहले दादी नानी के जो नुस्खे होते थे जब वो कहते थे कि भाई आप अगर धूप से बाहर आ रहे हो तो तुरंत पानी नहीं पीना है, थोड़ा वेट करना है, क्या उन नुस्खों का यूज आज भी है?
देखिए जहाँ तक उसमें कुछ चीज़ें लॉजिकल साइंटिफिक हैं और बहुत सारी चीज़ें केवल अवधारणा के तौर पर चल रही हैं तो उसको तो मैं समर्थन नहीं करता। अब जैसे इसमें ज़रूर है कि अगर आप एकदम से बाहर से आते हैं, आप बिल्कुल स्वेटिंग हो रहा है और आप क्योंकि यूजुअली क्या होता है फेस हमारी बॉडी में हमेशा एक्सपोज रहता है, इसका मैं लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी सब बॉडी पार्ट्स कवर्ड रहते हैं तो फेस की जो बोन्स हैं वो यूजुअली उसके अंदर पोर्स होते हैं और वो पोर्स एयर कंडीशनर का काम करते हैं। सपोज अगर हम बहुत हीट वाले एरिया से अंदर आ रहे हैं तो ऑलरेडी जो फेस के ऊपर जो पसीना है या हीटेड वो है टेम्परेचर है तो उसका सडन जो चेंज होता है जब हम अंदर आते हैं उसमें वो पोर्स के अंदर की एयर वो कंडीशनिंग का काम करती है। पर कुछ बच्चों में बड़ों में या उनमें जब वो पोर्स इन्फेक्ट हो जाते हैं जिसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं तो ऐसे टाइम पे वो एकदम से चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कई बार साइनसाइटिस एक्यूट साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसे मौकों पे यही कहा जाता है आमतौर पे कि पसीना या इस तरह आए तो पहले उसको थोड़ा सेटल करें, एक दो सिप्स आप ले सकते हैं लेकिन एकदम से आप बहुत ठंडा पानी ना पिए, एकदम से ठंडा पानी फेस पे ना लगाएं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत साइंटिफिक लॉजिकल हैं। ठीक है, ज्यादातर दफ्तर जो है वो एयर कंडीशनड है, ज्यादातर जगह जो है मॉल्स जो है वो एयर कंडीशनड है, वहां से डायरेक्ट सन में निकलना ये भी कई बार हमने सुना है बड़े बुजुर्गों से कि भाई डायरेक्ट एसी से या बहुत कूल चिल्ड जगह से आप एकदम से सन के एक्सपोजर में ना निकले या सन से आ रहे हैं तो बहुत जल्दी एकदम से बहुत चिल्ड इन्वायरमेंट में ना जाएं, क्या इसमें कोई लॉजिक है? लेकिन उसके लिए एक छोटे से ब्रेक का हमें इंतजार करना होगा, उसका उसके बाद आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है नरेश जी। जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब चाहेंगे आपसे कि भाई डायरेक्ट एसी में या बहुत चिल्ड जगह पे या बहुत चिल्ड जगह से डायरेक्ट हीट में क्या ये हार्मफुल है? देखिए जैसे मैंने पिछले आपके प्रश्न के संदर्भ में बताया कि चेंज ऑफ टेम्परेचर क्योंकि जो एक्सपोज पार्ट हमारा बॉडी का रहता है वो फेस ही रहता है यूजुअली फेस हैंड्स और फेस का जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर पोरस होती है बोन्स तो इसलिए कहीं भी एक सिग्निफिकेंट टेम्परेचर डिफरेंस की अगर हम वेरिएशन में जब कभी शिफ्ट करते हैं चाहे इंडोर से आउटडोर या आउटडोर से इंडोर तो उस टाइम पे थोड़ा अडेप्टेशन के लिए मौका देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ठंडी जगह से गर्म पे जाएं तो एकदम से आप वहाँ पे कहीं ठंडा पानी या इस तरह की चीज़ लें तो उसमें अडेप्टेशन आपको देना चाहिए, निसंदेह इससे कुछ कंडीशंस में नुकसान भी हो सकता है। सनबर्न एक बहुत कॉमन शिकायत होती है इस मौसम में लोगों के लिए, उससे कैसे बचें? वो तो आपने बताया कि आप भाई सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और कपड़े जो है वो खुले खुले पहने लेकिन कवर्ड हो पूरी बॉडी आपकी जी। लेकिन अगर हो जाए जी फिर क्या? देखिए उसमें क्योंकि जो भी स्किन का जैसे भी कोई लेयर अगर वो बर्न हुआ है तो उसका रीजनरेशन के अंदर यूजली 3 weeks to 3 months तक का टाइम रहता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ बर्न कितनी लेयर तक का बर्न हुआ है। तो उसमें भी वही प्रिकॉशंस की जाती है, मल्टीविटामिंस एंटीऑक्सीडेंट्स और फेस के लिए क्रीम्स दी जाती हैं। इसमें फ्रूट्स डेफिनेटली हेल्प करता है क्योंकि फ्रूट्स यूजुअली रिच ऑफ मिनरल्स रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और स्पेशली सीजनल फ्रूट जैसे मैं कहना चाहूंगा इस सीजन में आप तरबूज है खरबूजा है या फिर आम है ये इनमें बीटा कैरेटीन इनमें विटामिन ए विटामिन सी इस तरह के ये रिच ऑफ विटामिन्स होता है तो इनका सेवन करना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स भी इसमें आप ले सकते हैं जैसे नींबू की शिकंजी आप ले सकते हैं, इसके अलावा आप संतरा है मौसमी है ये सब इसका ले सकते हैं जी। मुकेश मंडल हमारे असाइनमेंट हेड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, माफी चाहूंगा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मुकेश आपका काम भी बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप फील्ड में निकलते हैं और एक रिपोर्टर के तौर पर आप जब फील्ड में होते हैं कवर कर रहे होते हैं आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप बैठ जाएं, आपको गर्मी कितनी भी है आपको निकलना है,
कितना मुश्किल होता है एक रिपोर्टर के तौर पर आपके लिए भी, और जब आप बाहर निकलते हैं लोगों को देख रहे हैं वो कितने परेशान है गर्मी से? आपको फील्ड में जाना है तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ इंडिया गेट, आप देख सकते हैं इंडिया गेट पे यहाँ पे सैलानी जो है वो तो लोग आए हुए हैं, यहाँ रहते हैं लेकिन अभी बहुत कम नजर आ रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ आए हैं घूमने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? राजकोट से आए हैं। यहाँ पे राजकोट में यहाँ गर्मी है या राजकोट में गर्मी ज्यादा? लेकिन नरेश जी, हम सनबर्न की बात कर रहे थे, फिर हम फ्रूट्स की तरफ बढ़े, तो इस मौसम में फ्रूट्स कौन कौन से फायदेमंद हैं वो भी आपने बता दिया, लेकिन वो क्या सिर्फ गर्मी से राहत देने के लिए है या इस सीजन में वो जरूरी है, क्योंकि आपको एक तरह से एक जंग लड़ रहे हैं आप इस गर्मी के अगेंस्ट, वो एनर्जी आपका एक्सट्रैक्ट हो जाता है पूरी तरह से? के दौर में वैसे भी मैं कहना चाहूं कि एक हेल्दी डाइट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है फ्रूट्स खाना। मेरे हिसाब से मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हर इंसान को एक ब्रेकफास्ट उसका बहुत हैवी होना चाहिए, जिसके अंदर वो जितना भी प्रोटीन, मिनरल्स, दही, दूध, सब्जी ले सकता है वो उसमें ले। एक टाइम वो फ्रूट्स जरूर ले, उसको आप लंच के तौर पे फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 2-3 तरह के फ्रूट्स, स्पेशली सीजनल फ्रूट्स लें, और शाम का डिनर लाइट रखना चाहिए। तो कहने का मतलब फ्रूट्स इम्पोर्टेंट है आज की रूटीन जो भाग दौड़ की लाइफ है, जिस स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का और विटामिंस का एक डेफिनेट रोल है, और किसी भी सीजन में जो उस सीजन के जो फ्रूट्स होते हैं वो हमेशा फायदेमंद रहते हैं। हालांकि कुछ फ्रूट्स आजकल पेरिनियल फ्रूट्स हो गए हैं, जिनको हम बोलते हैं, जैसे आप अनार की बात कीजिए, सेब की बात कीजिए, संतरे की बात कीजिए, पर इसके अलावा जैसे अभी तरबूज का सीजन होता है, खरबूज का होता है या आम का होता है, तो ये एक सीजनल फ्रूट्स है जिसका हमें डेली इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। अच्छा, इस मौसम में अगर हम अलग अलग तरह के लोगों की बात करें, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अक्सर ये हम कहते हैं कि वो ज्यादा प्रोन होते हैं किसी भी बीमारी के अटैक के लिए या किसी हीट के हिसाब से, अगर वो, तो ऐसा क्यों है? क्या उनके ऑर्गन्स कमजोर होते हैं, क्या होता है? डेफिनेटली देखिए, क्या होता है कि हम इसके लिए जैसे कहीं भी कहते हैं कि किसी भी सिस्टम को अगर हम एक स्ट्रेस देते हैं तो उस सिस्टम के अंदर एक इनहेरेंट शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। अच्छा। तो इसी तरह एक टॉलरेंस होती है, एक इम्यूनिटी होती है। तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज जो हैं, चाहे बचपन है चाहे बड़ी उम्र है, इनके अंदर जो टॉलरेंस है, जो शॉक एब्जॉर्बर्स है, वो कमजोर होते हैं। और इसलिए जैसे अगर कोई बुजुर्ग आदमी सन एक्सपोजर में आता है तो उसके अंदर जो हीट लॉसेज है, इवेपोरेशन ऑफ जो वाटर है वो रैपिड लेवल पे होता है, और उसमें इरिवर्सिबल चेंजेस अर्ली स्टेज में आ जाते हैं। इसी प्रकार ये बच्चे की एज ग्रुप के अंदर है। तो दोनों को अवॉइड करना चाहिए, कम से कम घर से बाहर धूप के अंदर निकलें, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लें, और बार बार थोड़ा थोड़ा भोजन करें, फ्रूट्स लें, सिट्रस फ्रूट्स लें, सीजनल फ्रूट्स लें। अच्छा, अब ये जो एक टाइम पीरियड कहा जाता है कि 12-3 का वो एक्सट्रीम टेम्परेचर का टाइम होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्या वो लॉजिकली, मतलब मेडिकल टर्म्स में? बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल एक इसका लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है, क्योंकि देखिए जब भी सूर्य उदय होता है तो हम एक छोर से दूसरे छोर पे अस्त होता है, तो जो रेज है पृथ्वी पर, जो रेज आती है वो शुरू में एक टेंजेंशियल उस पे आती है, और धीरे धीरे वो डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाता है जब तक 12-3 का टाइम होता है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट सन रेज होती है उसका इम्पैक्ट जो हीट जनरेशन का है वो ज्यादा रहता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित है, साइंटिफिक है, कि जो ये समय है, इस समय के अंदर मैक्सिमम हीट का प्रकोप होता है।
ठीक है, एक आखिरी सवाल सर जी। सिर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है बॉडी का, ये लोग अक्सर हमने सुना है कि कहते हैं सिर ढक के जाना है आपको, कैप पहनिए या तौलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये भी जरूरी है? देखिए इसका जो फायदा रहता है निसंदेह, इसमें जैसे पुराने लोग हम अगर हमारे हरियाणा के अंदर देखें तो खेत में किसान जब काम करता था तो एक पतला सूती कपड़ा वो अपने चेहरे पे लपेट के रखता था, फिर मतलब सिर पे लपेट के रखता था। तो इसमें क्या है कि जो हीट एक्सचेंज है, जो टेम्परेचर एक्सचेंज है, वो कहीं ना कहीं इससे इंटरप्ट होता है, ब्लॉक होता है। तो एक जो तापमान से जिस जो उसके बॉडी का टेम्परेचर है जो इंसान काम कर रहा है और उसको उसने अगर कवर कर रखा है अपने सिर को तो उसी को रिटेन करता है वो टेम्परेचर, और अगर हम उसको खुला छोड़ देते हैं तो उससे हीट एक्सचेंज बहुत ज्यादा रहता है और स्कैल्प के ऊपर डायरेक्ट सन एक्सपोजर से वो हीट दिमाग में गर्मी बढ़ जाती है, सिर के स्कैल्प के ऊपर गर्मी बढ़ जाती है। तो इसका निसंदेह फायदा होता है इस तरह के पतले सूती कपड़े को सिर पर लपेटने से। चलिए बहुत शुक्रिया ऋषि, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो सूर्य देवता नाराज हैं, ऐसे में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो तो खुद को बचाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, बाहर निकलिए तो बहुत सारा लिक्विड इंटेक जो है वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको अपने सेहत का खुद ही रखना होगा ध्यान, क्योंकि काम हम कह तो जरूर देते हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं हो तो बाहर ना निकले, लेकिन हमको आपको पता है कि हमें बाहर निकलना पड़ता है, बाहर निकलिए, काम जो है वो पूरा करिए, लेकिन अपने ख्याल रखना है आपको खुद ही और एहतियात खुद ही बरतने होंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।